welcome back to my another new video. Myself Anjali, I am your grade 1 teacher of Amma School. Today my subject is math and I will explain you new chapter, chapter number 2, addition. Now what is the meaning of addition? Addition ka matlab kya hota hai? Something add. Now see here examples. Here I have drawn 3 pencils and here 2 pencils. Okay? यहाँ पे 3 पेंसिल है, यहाँ पे 2 पेंसिल है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, what we have to do, we have to add, okay? हमें क्या करना है, हमें add करके यहाँ पे total count करना है कि total कितनी पेंसिल्स है, okay? तो addition का sign क्या होता है, plus, this is a sign of addition, ठीक है। addition का sign है ये plus, means add करना। तो अभी मैं ये पेंसिल और ये पेंसिल add करूंगी, तो here how many pencils are there, count 1, 2, 3, यहाँ पे 3 पेंसिल्स है, तो मैं इस बॉक्स में लिखूंगी 3, ओके। नाउ यहाँ पे कितनी पेंसिल्स है, 1, 2, सो यहाँ पे इस बॉक्स में आई विल राइट 2, ओके। नाउ यू हैव टू काउंट होल पेंसिल्स, ओके, 1, 2, 3, 4, 5, ओके, हमें ऐसे काउंट करना है, टोटल काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, सो हियर I have to draw 5 pencil and here I have to write 5. Okay, so I will draw 5 pencils here. मैं यहाँ पे draw कर रही हूँ 5 pencils. 2, 3, 4, then 5. Okay. Here I have written 5. So in this way you have to do this exercise in your textbook. We will do another exercise. Here add by drawing dots. यहाँ पे आपको क्या करना है, dots बना के add करना है, ठीक है। हमें directly add नहीं करना है, पहले हम dots बनाएंगे उसके बाद हम add करेंगे, ठीक है। So here see number, यहाँ पे कौन सा number है, 5, और नीचे कौन सा number है, 1 है, okay? तो हमको यहाँ पे dots बनाने हैं, यहाँ पे 5 लिखा है तो हम यहाँ पे 5 dots बनाएंगे, okay? 1, 2, 3, 4, 5, ओके, 5 डॉट्स बनाए मैंने, यहाँ पे 1 है तो मैं यहाँ पे सिर्फ 1 ही डॉट बनाऊंगी, ओके, पुट ओनली 1 डॉट। अभी हमें क्या करना है, काउंट करना है टोटल, जितने हमने डॉट्स बनाए हैं उनको साथ में काउंट करना है, ठीक है। वी हैव टू डू ऐड, यहाँ पे प्लस के साइन है, सो वी विल डू ऐड, ओके। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने हैं, कितने हैं, 6, हमें काट देंगे, ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ऐसे हम कट करेंगे ना तो हमारा कोई भी डॉट बाकी नहीं रहेगा, तो हमें परफेक्टली याद आएगा कि नहीं हमें ये डॉट्स को काउंट किया है, ठीक है। तो हमें ऐसे कट कर देना है डॉट्स को, ओके। तो टोटल क्या है, कितने डॉट्स है, टोटल 6 है, 5 + 1 कितना होता है, 6, दिस इज आवर आंसर, ओके। नेक्स्ट वी विल डू नेक्स्ट सम आल्सो, यहाँ पे 4 है तो हम यहाँ पे 4 डॉट करेंगे, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 डॉट हमने किया है यहाँ पे, यहाँ पे कितना लिखा है, 2 लिखा है, तो हम यहाँ पे 2 डॉट बनाएंगे, ओके। देन अगेन वी हैव टू काउंट ऑल डॉट्स, ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके। टोटल कितने डॉट्स बनाए हमने, 6 बनाए, तो 4 + 2 कितना होता है, 6, सो 6 इज द आंसर। So in this way you have to do this exercise in your textbook. Now students we will do another exercise. Add on the number line. हमें number line में add करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे? See here मैंने यहाँ पे number line बनाया है. See this is called number line, ठीक है? अभी मैं यहाँ numbers लिखूँगी. Start from 0. Always start from 0. Number line हमेशा 0 से start होता है. 0 then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके। तो मैंने 0 से 10 तक के यहाँ पे नंबर्स लिखे, ओके। अभी हम ऐड कैसे करेंगे नंबर लाइंस में, ओके। सी हियर 3 + 5, 3 + 5, सबसे आगे का नंबर कौन सा है, फर्स्ट नंबर इज 3, तो हम यहाँ पे 3 को देखेंगे, ओके। सी हियर सर्कल हियर, ठीक है। अभी हमें 3 से स्टार्ट करना है, प्लस 5, यानी 5 बार हमें
यहां से स्किप करना है. ओके तो थ्री से स्टार्ट करेंगे हम. देन वन टू थ्री फोर फाइव. ओके हमें यहां पे थ्री से स्टार्ट करना है. ओके फोर फाइव सिक्स सेवन एट. फाइव बार लिखा है तो हम यहाँ पे पांच बार ही करेंगे. हर नंबर्स के आपके ऊपर ऐसे आपको ब्रिज बनाना है. ओके ऐसे आपको ब्रिज बनाना है. तो हमारा आंसर क्या आया? आंसर एट. क्या आंसर आया हमारा? इन दिस वे आपको ये नंबर लाइंस में एडिशन करना है. ओके इन दिस वे यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक एड बाय काउंटिंग फॉरवर्ड. अभी आपको क्या करना है? काउंटिंग करनी है. फॉरवर्ड काउंटिंग कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ. सिक्स प्लस थ्री, ठीक है, सिक्स प्लस थ्री इसका क्या आंसर होगा ऐड करके हमें फॉरवर्ड काउंटिंग करके करना है. तो कैसे करेंगे? सबसे पहले बिग नंबर देखना है आपको कि दोनों में से बिग नंबर कौन सा है. तो सिक्स, सिक्स क्या है? बिगर नंबर है. तो सिक्स हम हमारे माइंड में रखेंगे. ठीक है माइंड में आपको सिक्स रखना है. ओके देन थ्री, यहाँ पे कौन सा नंबर है? थ्री नंबर. थ्री आपको अपने फिंगर्स में रखना है, थ्री फिंगर्स में रखना है. ओके सिक्स आपके माइंड में होना चाहिए और थ्री आपके फिंगर्स में होना चाहिए. नाउ सिक्स, सिक्स के बाद कौन सा नंबर आता है? सिक्स के बाद विच नंबर विल बी कम? सिक्स के बाद सेवन एट नाइन. अगेन मैं फिर से रिपीट करती हूँ, सिक्स आपके माइंड में रखना है, थ्री आपके फिंगर्स में रखना है. देन सिक्स के बाद कौन सा नंबर आता है वो आपको काउंट करना है, सेवन एट नाइन. तो हियर व्हाट इज द आंसर? नाइन. ठीक है तो दिस इज काउंटिंग फॉरवर्ड मेथड. यू विल डू नेक्स्ट एक्सरसाइज. राइट डाउन ऑफ एडिशन फैक्ट ऑफ एट. यहाँ पे एडिशन फैक्ट ऑफ एट करना है, यानी हम प्लस जो भी नंबर से करें आंसर हमारा एट ही आना चाहिए. ओके आंसर हमारा एट ही आना चाहिए. लेकिन कैसे आएगा एट हमारा आंसर? यहाँ पे मैंने बॉक्स ड्रॉ किए हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट बॉक्स है. ओके टोटल एट बॉक्स है, उसमें से वन मैंने अलग कर दिया है, अलग अलग कर दिया है, बाकी के रेस्ट सारे प्लेन है. ठीक है रेस्ट प्लेन है. तो डिजाइन वाला जो एक बॉक्स है वो कितने हैं यहाँ पे? वो यहाँ पे वन है. ठीक है तो बाकी के रेस्ट कितने हैं? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन. तो मैं यहाँ पे सेवन लिखूंगी. ठीक है तो टोटल कितने बॉक्स हुए? वन प्लस सेवन आंसर हमारा क्या होगा? एट. दिस इज द फैक्ट ऑफ एडिशन एट, यानी आंसर हमारा एट ही आएगा. सेम यहाँ पे टू, कितने कलर वाले बॉक्स है? टू है तो मैं यहाँ पे टू लिखूंगी. ओके नेक्स्ट यहाँ पे प्लेन कितने बॉक्स है? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स यहाँ पे प्लेन बॉक्स है. सिक्स प्लस टू कितना होगा? कितना होगा सिक्स प्लस टू? एट. टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. तो आंसर हमारा क्या आएगा? एट. देन अगर नेक्स्ट यहाँ पे थ्री कलर वाले बॉक्स हैं, थ्री आई विल राइट हियर थ्री. देन अगेन काउंट प्लेन बॉक्स, वन टू थ्री फोर फाइव, सो आई विल राइट हियर फाइव. देन टोटल आंसर अवर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. आंसर इज एट. थ्री प्लस फाइव इज एट, टू प्लस सिक्स एट. नाउ नेक्स्ट कितने कलर वाले बॉक्स है? फोर. सो आई विल राइट हियर फोर. प्लेन बॉक्स कितने हैं? वन टू थ्री फोर, वो भी फोर हैं. तो फोर प्लस फोर आंसर क्या होगा? अगेन काउंट, यहां तक फोर है, फाइव सिक्स सेवन एट. आंसर एट. फोर प्लस फोर एट. नेक्स्ट कितने कलर वाले हैं बॉक्स यहाँ पे? वन टू थ्री फोर फाइव. सो आई विल राइट हियर फाइव. अभी से प्लेन बॉक्स कितने हैं? वन टू थ्री. सो आई विल राइट हियर थ्री. नाउ हाउ मच इज द आंसर? फाइव सिक्स सेवन एट. आंसर इज एट. नाउ वी विल काउंट हियर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स.
सिक्स कलर वाले हैं एंड ब्रेन इज टू. सो सिक्स प्लस टू सिक्स सेवन एट. आंसर इज एट. ओके नाउ अगेन वी विल काउंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन. सेवन कलर वाले हैं और वन है प्लेन वन. तो सेवन प्लस वन कितना होगा. अगेन आंसर इज एट. नाउ यहाँ पे सारे बॉक्स में कलर किए हैं, एक भी प्लेन नहीं है. तो कितने हैं ये बॉक्स. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. एट है. ओके प्लेन नहीं है यहाँ पे कोई भी. सो आई विल पुट हियर जीरो. आंसर इज अगेन एट. So students, in this way you have to do this exercise in your textbook. So students, today we have completed our part 1 video of chapter number 2. If you have any queries, you can ask me in our online session. Thank you so much and have a nice day.